दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र में नदी किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गांव के मध्य स्थित मंदिर में सभी गांव वाले दैनिक पूजा अर्चना करते थे। उस मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी वहां के पुजारी पर थी, जो मंदिर में ही निवास करता था और सुबह से लेकर रात तक ईश्वर की अर्चना में लीन रहता था। एक दिन गांव पर प्रकृति का कहर मूसलाधार बारिश के रूप में टूटा, जिससे गांव की नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी जब गांव में प्रवेश कर गया तो गांव के लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी करने लगे। एक व्यक्ति को गांव छोड़कर जाने से पहले मंदिर के पुजारी का ध्यान आया और वह भागता हुआ मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचकर वह पुजारी से बोला, पंडित जी, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुसने लगा है, धीरे धीरे बढ़ते हुए मंदिर तक ही पहुंच जाएगा। यदि हमने गांव नहीं छोड़ा तो बाढ़ में बह जाएंगे। हम सभी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन उस पंडित को भगवान पर बहुत भरोसा था। उसने व्यक्ति के साथ जाने को राजी नहीं हुआ और बोला, मैं तुम लोगों जैसा नास्तिक नहीं हूं, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। पूरे जीवन मैंने उसकी आराधना की है, वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा। पंडित की बात सुनकर वह व्यक्ति वापिस चला गया और पंडित भगवान की प्रार्थना में लीन हो गया। कुछ ही देर बाद पानी मंदिर तक पहुंच गया और बढ़ते बढ़ते वह पंडित के कमर तक पहुंच गया। ठीक उसी समय एक आदमी नाव लेकर वहां आया और पंडित से बोला, पंडित जी, मुझे गांव के एक आदमी ने बताया आप अब भी यहीं हैं, चलो मैं आपको लेने आया हूँ, जल्दी नाव पर बैठिए। पंडित ने वही बात नाव वाले व्यक्ति से भी कही जो उससे पहले व्यक्ति से कही थी और जाने से इनकार कर दिया। नाव लेकर आया व्यक्ति चला गया। कुछ देर में पानी मंदिर के छत पर पहुंच गया। भगवान को मदद के लिए याद करता हुआ पंडित मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर खड़ा हो गया। तभी वहां एक सुरक्षा दल हेलीकॉप्टर से आया और पंडित को बचाने के लिए रस्सी फेंकी, लेकिन पंडित ने वही बात दोहराते हुए रस्सी पकड़ने से इनकार कर दिया। सुरक्षा दल का हेलीकॉप्टर दूसरों को बचाने आगे चला गया। अब बाढ़ का पानी मंदिर के शिखर तक पहुंच गया था। वहां खड़ा पंडित डूबने लगा। डूबने से पहले वह भगवान से शिकायत करते हुए बोला, भगवान, मैंने पूरा जीवन तुम्हें समर्पित कर दिया, लेकिन तुम पर इतना विश्वास रखा, फिर भी तुम मुझे बचाने नहीं आए। पंडित की शिकायत सुन भगवान प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख, मैं 3 बार तुझे बचाने आया था। पहली बार मैं भागते हुए तुम्हारे पास आया, गांव वालों के साथ गांव छोड़कर चलने को कहता रहा, फिर मैं नाव लेकर आया और अंत में हेलीकॉप्टर। अब इसे मेरी यह गलती है कि तूने मुझे पहचाना नहीं। पंडित को अपनी गलती समझ आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, जीवन में अवसर बिना बताए दस्तक देते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते और जीवन पर शिकायत करते रहते हैं कि अच्छा और सफल जीवन जीने का अवसर तो हमें प्राप्त ही नहीं हुआ। इसलिए अवसर किसी भी रूप में सामने आए, उसे हाथ से जाने ना दें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।